हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर टेक्निकल शर्मा जी। दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो के टॉपिक के बारे में बताऊं, मैं आप सभी का थैंक्स करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों आप सभी की वजह से मेरा चैनल जो है मोनिटाइज हो गया है और अर्निंग जो है उससे स्टार्ट हो गया है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हमारे टॉपिक के बारे में। तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी यूट्यूबर क्यों ना हो, अगर वो इंडिया से बिलोंग करता है तो दोस्तों यहाँ पर जो है उसे एक टैक्स फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को करते हैं तो उसके ऊपर में जो है टैक्स फॉर्म फिल करने के लिए जो है वहाँ पे एक नोटिस दिख रहा होगा। अगर दोस्तों आप फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो आप जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो अगर US व्यूअर आते हैं तो उसमें जो है आपको 25% जो है टैक्स देना पड़ेगा आपके पेमेंट में से, जो कि दोस्तों आपके लिए जो है घाटे का यहाँ पर सौदा होगा। इसलिए दोस्तों ये फॉर्म अगर आप फिल कर देते हैं तो अगर आपके जो है US व्यूअर आते हैं तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 15% जो है यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें जो है आपका जो है पैसा सेफ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के जो है फटाफट से मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही ढेर सारी वीडियोज़ आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं, आपको जो है गूगल एडसेंस ओपन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, ओपन करने के बाद जैसे आप साइन इन करते हैं आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो है नोटिस दिखेगा और नीचे में मैनेज टैक्स इन्फो का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, उस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो है रिलोड होने लगेगा और रिलोड होने के तुरंत बाद ही आपके स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा एक और नोटिस जिसमें कि लिखा हुआ है सबमिट अ टैक्स फॉर्म एज सून एज पॉसिबल। यानी कि हर एक यूट्यूबर को जो है यहाँ पर टैक्स फॉर्म फिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना उसके जो है आपको यहाँ पे US व्यूअर के आने पर आपको जो है यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। अगर आप ये फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको जो है टैक्स कम लगेगा और आपके जो है यहाँ पे पैसे सेव हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है गूगल ने ये भी कह दिया है कि जब तक आप ये टैक्स फॉर्म जो है फिल नहीं करते हैं तब तक जो है आपके पे आउट का 30% जो है विथहोल्ड में रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से जो है आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है टैक्स फॉर्म फिल करने के लिए। नीचे लिखा हुआ है यू कैन नॉमिनेट योर टैक्स डॉक्यूमेंट डिलीवरी प्रेफरेंस एंड अदर इन्फॉर्मेशन। नीचे में जो है आपको ऐड टैक्स इन्फो का जो है यहाँ पे बटन मिल जाएगा। सिंपली जो है ऐड टैक्स इन्फो बटन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें कि काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको बताए गए हैं और साथ ही साथ इसमें जो है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपको बताया गया है कि आपके जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको जो है कोई डॉक्यूमेंट भी देने पड़ सकते हैं। नीचे दिए गए बटन पे आप क्लिक कर देंगे स्टार्ट टैक्स फॉर्म के लिए। यहाँ पे जो है नया यहाँ पे एक विंडोज़ आपको सामने ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपसे बोला जाता है आपका जो भी गूगल एडसेंस अकाउंट में ईमेल आईडी अटैच है उसमें जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है पासवर्ड डाल देना है उस ईमेल आईडी का। याद रहे कि ईमेल आईडी का पासवर्ड आप करेक्ट डालें। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो है आपसे पूछा जा रहा है यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो। यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपको जो है यूनाइटेड स्टेट के लिए जो है अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को देना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज सूर्यभान शर्मा, आपका कैसा अकाउंट है, इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल है। तो मेरा जो है अकाउंट यहाँ पे इंडिविजुअल है, मैं जो अपने अकाउंट को इंडिविजुअली यूज़ करता हूँ, बिजनेस नहीं है और दोस्तों यहाँ पे जो है एंटिटी भी नहीं है, तो मैंने जो है इंडिविजुअल पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद दोस्तों नीचे जो है हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप दोस्तों नीचे जो है नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे नीचे जो है आपको और भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें कि आपको फिर से आपको जो है यहाँ पे रेडियो बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है आर यू अ सिटीजन और रेसिडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यानी कि आप जो है यूनाइटेड स्टेट के निवासी हैं, अगर हैं तो यस पे, अदरवाइज नो पे। तो हम इंडिया के रहने वाले हैं तो यहाँ पे जो है हमने नो पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछता है सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप, आपका जो है टैक्स फॉर्म टाइप क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि W8 फॉर्म आपका जो है यहाँ पे W8BEN होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया था इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट के लिए जो है यहाँ पे टैक्स ट्रेटी यहाँ पे आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके लिए कि यहाँ पे W8BEN पे आपको जो है क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट नहीं होता और आपका जो है यहाँ पे बिजनेस अकाउंट होता तो आप जो है नीचे पे क्लिक कर सकते थे, वो भी तब जब आप जो है US के निवासी ना हो और आप पे जो है टैक्स ट्रीटी बेनिफिट लागू ना होता हो, तभी जो है आप नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे। आपको जो है नॉर्मली W8BEN वाला जो है ऊपर वाला आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे में जो है आपको स्टार्ट W8BEN फॉर्म का यहाँ पे जो है ऑप्शन आपको मिलेगा, मतलब बटन मिलेगा दोस्तों, इस बटन पे आपको जो है फाइनली क्लिक कर देना है।
जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं, आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होगा जिसमें कि आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है W8BEN टैक्स फॉर्म। तो यहाँ पे जो है आपने फॉर्म प्रोसेस जो है स्टार्ट कर लिया है। अब नीचे में जो है आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है और यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट से आपको इन्फॉर्मेशन देख के यहाँ पे फिल करने पड़ सकते हैं, इसलिए जो है आपको यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी में रहना है। और यहाँ पे जो है दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे आपको जो है फॉर्म में फिल करना होगा टैक्स आइडेंटिटी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो है आपको अपने इंडिविजुअल नेम को जो है यहाँ पे लिख लेना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा अगर आपने जो है नेम दे रखा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है DBA डूइंग बिजनेस एज, तो ये तो यहाँ पे ऑप्शनल है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जो है फिल करेंगे। मैंने जो है यहाँ पे इसको छोड़ दिया है। अगर आप किसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो आप जो है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आई बटन भी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। नीचे जो है कंट्री, रीज़न ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि आप किस कंट्री के जो है यहाँ पे निवासी हैं। तो यहाँ पे जो है मैं फटाक से जो है यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया है। आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे कंट्री रीजन अपना जो है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपसे टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि आपका जो है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपका TIN नंबर, फॉरेन TIN नंबर जो है आपका पैन कार्ड नंबर ही होता है। जैसा कि यहाँ पे मैं नए टाइम में आपको TIN नंबर इंडिया के हिसाब से मैं जो है आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, आपको जो है बताया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इन इंडिया TIN इज़ ऑफिशियली कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि पैन कार्ड नंबर। तो आप जो है TIN नंबर की जगह पे अपना पैन कार्ड नंबर दे सकते हैं। चलिए उस पेज पर वापस चलते हैं और यहाँ पे जो है फटाफट से अपने पैन नंबर को इंटर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है नीचे आपको नेक्स्ट का बटन दिखेगा। हमने जो है यहाँ पे पहला स्टेप जो है, पहला प्रोसेस फॉर्म का जो है कंप्लीट कर लिया है, इसलिए जो है हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ताकि दूसरे स्टेप पे हम जा सकें। तो चलिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे जो है एड्रेस के लिए आपसे पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो है परमानेंट एड्रेस और जो है यहाँ पे करेंट एड्रेस, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। देख सकते हैं ऊपर जो है हमने पहला जो है स्टेप कंप्लीट किया, तो उसके सारे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं। लेकिन अभी हम एड्रेस पे हैं, तो एड्रेस में आपको जो है यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे जो है परमानेंट एड्रेस जो है हम दे देते हैं। एड्रेस देने से पहले दोस्तों ऊपर में जो है एक चेकबॉक्स आपको मिलेगा, चेकबॉक्स को यहाँ पे चेक कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, क्योंकि वह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों कंट्री यहाँ पे सेलेक्टेड है इंडिया, स्टेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपने जो है गूगल एडसेंस अकाउंट में अपना एड्रेस पहले दे रखा था तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। आप उस पर सिंपली क्लिक कर देंगे और ऑटोमेटिक जो है सारे एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक फीड हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मेरा एड्रेस फीड हो गया है। उसके बाद दोस्तों नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस मेलिंग एड्रेस की तरह जो है सेम है या नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे एक और चेक बॉक्स है, अगर आपका जो है मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम टू सेम है तो यहाँ पे जो है आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, जिससे कि ऊपर का जो भी एड्रेस है वो मेलिंग एड्रेस पे भी कॉपी हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, मेलिंग एड्रेस आपको जो है फिल करना नहीं पड़ा है, वो जो है एज इट इज़ सेम यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है हमारा, तो चलिए नेक्स्ट के बटन पे फिर से एक बार क्लिक कर देते हैं, जैसे कि हम तीसरे स्टेप पे पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है हमने क्लिक कर दिया और तीसरे स्टेप पे हम आ चुके हैं। तीसरा स्टेप जो है टैक्स ट्रीटी। जी हाँ दोस्तों, टैक्स ट्रीटी में आपको जो है सिंपली यहाँ पे नीचे यस के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है नीचे एक चेक बॉक्स मिलेगा, उस चेक बॉक्स को जो है आपको यहाँ पे टिक कर देना है। याद रहे दोस्तों, ध्यान रहे कि आप इंडिया से इंडिविजुअल हैं, तो आपको जो है यस और चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं जो है यहाँ पे इंडिया कंट्री जो है सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे देखते हैं, और भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है यही सबसे मेन यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो है आपको बताना पड़ेगा आपका कितना परसेंट आपको जो है यहाँ पे टैक्स देना है और नहीं देना है। सर्विस की बात करते हैं, तो सर्विस में जैसे आप क्लिक करेंगे, टिक कर देंगे, तो नीचे में जो है आपको स्क्रॉल डाउन करके आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों विथ होल्डिंग रेट जो है यहाँ पे 0% कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे में जो है आपको फिर से चेक बॉक्स क्लिक कर देना है यहाँ पे,
और उसके बाद नीचे आपको दो चेकबॉक्स और मिलेंगे, उसे भी क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दूसरा चेकबॉक्स क्लिक करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल आपको 12 और पैराग्राफ 2A डबल का यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है विथ होल्डिंग रेट पे यहाँ पे आपको सबसे कम वाला रेट डाल देना है, जैसे कि 15% रिड्यूस ट्रेटी रेट। उसके बाद दोस्तों नीचे जो है फिर से आपको चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है और दूसरे चेकबॉक्स अदर कॉपीराइट वाले पे क्लिक करेंगे। फिर से आपको आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A डबल एल पे क्लिक करके 15% रिड्यूस ट्रेटी रेट पे क्लिक कर देना है। फिर नीचे एक बार और आपको जो है फाइनली यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। आपने जो है यहाँ पे अपने टैक्स को लेकर के जो है फॉर्म यहाँ पे फिल करने के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठा दिया है। अब जो है आपके ज़्यादा पैसे नहीं कटेंगे। नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया है और आ गए हैं चौथे स्टेप पे, जिसमें कि डॉक्यूमेंट आपका तैयार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका चौथे स्टेप पे डॉक्यूमेंट आपका बनके तैयार है। चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए जैसे कि आप कंफर्म करते हैं। और यहाँ पे जो है अब आपसे पाँचवें स्टेप पे पूछता है आपका ओरिजिनल नाम, लीगल नेम। तो दोस्तों लीगल नेम आपको जो है ध्यान से यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो है अपना लीगल नेम इंटर कर दिया है, जो कि मेरे सभी डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, और यहाँ तक कि यूट्यूब गूगल एडसेंस अकाउंट में भी है, तो मैंने जो है यहाँ पे इंटर कर दिया है। उसके बाद नीचे में जो है दो रेडियो बटन आपको मिलेंगे, जिसमें से कि ऊपर यस आई कन्फर्म पे आप क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद दोस्तों आप जो है छठवें स्टेप पे आ जाएंगे। छठवां स्टेप जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटीज़ एंड सर्विस परफॉर्मेंस इन US एंड एफिडेविट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको इसमें सबसे पहले जो है इस सब टॉपिक में जो है आपको नो क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों नीचे में जो है आई सर्टिफाई पे चेकबॉक्स आपको मिलेगा, उस पर आपको जो है चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। फिर नीचे जो है स्टेटस चेंज एफिडेविट, तो यहाँ पे स्टेटस चेंज एफिडेविट में भी आपको जो है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल। तो दोस्तों आपको जो इस पर कर देना है, क्योंकि आपका जो है न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल है, जिसमें कि आपने इससे पहले कभी भी पेमेंट रिसीव नहीं किया है। अगर आपने यूट्यूब से पहले भी, गूगल एडसेंस से पहले भी अगर पेमेंट रिसीव कर लिया है, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने जो है अभी एक भी बार पेमेंट रिसीव नहीं किया था, तो मैंने ऊपर वाला किया। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट किया है, तो मेरा जो है आखिरी पड़ाव यहाँ पर आ चुका है, टैक्स रिपोर्टिंग, जिस पर कि मैंने गो पेपरलेस पे कर दिया है। आप इतना ध्यान में रखिए कि गो पेपरलेस वाला जो है रिकमेंडेड करता है गूगल एडसेंस, और बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है और सिक्योर रहता है। उसके बाद नीचे में आई एक्सेप्ट पे जो है आप क्लिक कर देंगे कि आप जो है पेपरलेस डिलीवरी एक्सेप्ट करते हैं। इसके तुरंत बाद दोस्तों नीचे में जब आप देखेंगे तो आपको एक सबमिट का बटन दिखाई देगा। उस सबमिट के बटन पर आपको जो है फाइनली क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो है आपका काम ख़त्म हो जाएगा टैक्स फॉर्म फिल करने के लिए। आइए हम जो है सबमिट के बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो है आपने अपना टैक्स फॉर्म फिल कर लिया है, और आपका जो है यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है यू कैन नाउ मैनेज योर टैक्स डॉक्यूमेंट डिलीवरी प्रेफरेंस एंड अदर इन्फॉर्मेशन। नीचे जो है W8BEN का जो फॉर्म था आपने पूरा का पूरा यहाँ पे भर दिया है। स्टेटस यहाँ पे जो है आपका अप्रूव हो चुका है आपके नाम से, और किस तारीख को आपने जो है यहाँ पे फॉर्म फिल किया था वो भी जो है छपके आ चुका है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है आपने क्लेम कर ली है, आपका जो है टैक्स ट्रेटी और यहाँ पे जो है कंप्लेन कर लिया गया है। अब जो है US व्यूअर आएंगे तो आपका जो है टैक्स ज़्यादा नहीं कटेगा। यहाँ पे जो है आप चाहते हैं कि आपको जो है ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें, तो आपको जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा टैक्स फॉर्म यहाँ पे फिल करने वाला। तो दोस्तों राइट क्लिक करके हमने जो है न्यू विंडो पे जो है यहाँ पे इसको ओपन कर दिया है। अब थोड़ी देर में जो है यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे PDF के फॉर्म में ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखेंगे, लोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी देर में दोस्तों ये सारे जो है फॉर्म का यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको आपके हाथ में मिल जाने वाला है। देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ नो US एक्टिविटीज़ का यहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेट मिल गया है गूगल की तरफ से। आपने जो है यहाँ पे सर्टिफाई कर दिया है अपनी तरफ से, जो भी आपके पास अथॉरिटी थी आपका जो है टैक्स बचाने के यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी। यहाँ पे तारीख लिख दिया है दोस्तों, साथ ही साथ आपका जो है यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ आ गया है। इसको जो है आप यहाँ पे सेव कर लीजिएगा डाउनलोड पे क्लिक करके। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपका टैक्स फॉर्म फाइनली जो है सबमिट हो गया है। दोस्तों जब वापस से आप गूगल एडसेंस के होम पे जाएंगे, तो अभी भी आपको जो है ये नोटिस दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिस कभी हटेगा नहीं। अगर आपने जो है टैक्स फॉर्म फिल कर दिया है, तो आपको जो है इसको इग्नोर करना पड़ेगा। आप इसको इसी तरह रहने दें या फिर यहाँ से डिसमिस कर दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।